आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बीते देर रात को विकास खंड खिरसू के अंतर्गत ग्राम पंचायत नवगांव में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि नुकसान का तत्काल आकलन कर रिपोर्ट तैयार करें, 24 घंटे के अंदर प्रभावितों को मुआवजा देना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना देते हुए मृत व चोटिल पशुओं की जानकारी ली। भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से गाय बकरी बैल गौशालाओं व अन्य को नुकसान हुआ है। उन्होंने उप जिलाधिकारी पौड़ी को निर्देशित किया कि क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग, पेयजल लाइन, पुस्ता सड़क की मरम्मत कराना सुनिश्चित करे ताकि ग्रामीणों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने नौगांव पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने संबंधित अधिकारी को आपदाग्रस्त क्षेत्र में नीचे रह रहे परिवार को स्थिति सामान्य होने व मकान के पास मलबे हटाने तक पंचायत भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र में झूल रहे पेड़ से नुकसान को देखते हुए काटने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गांव के सिंचित व असिंचित भूमि में क्षतिग्रस्त फसल का आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मृत मवेशियों के पोस्टमार्टम कराने के भी निर्देश दिए। बीते देर रात को नौगांव में हुए भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से 51 बकरी, 3 गाय, 1 बछड़ा एवं 2 जोड़ी बैल मृत हुए, जबकि 1 दुधारू गाय, 1 बछड़ा घायल है। इसके साथ ही 4 गौशालाएं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। एसडीआरएफ, राजस्व विभाग व पशुपालन विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचकर मलबे में दबे मवेशियों की खोज में जुटे रहे। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। पैठाने के पास में ग्राम नौगांव है, वहाँ पे कंडार से पट्टी में, तो वहाँ पे जो है कल रात को भारी बारिश की वजह से कुछ मलबा गांव में आ गया था। उसके वजह से 4 गौशाला है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। किसी भी प्रकार का मकान को क्षति नहीं हुआ है और किसी के भी घायल होने की अथवा किसी के भी जान माल की नुकसान कोई नहीं हुआ है। 51 बकरियों का नुकसान हो गया है, उनका शव को खोजबीन की जा रही है। एसडीआरएफ का टीम और क्षेत्र के जो रेवेन्यू अधिकारी हैं सभी मौके पर पहुँच गए थे। एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर ही उपलब्ध हैं, उन्होंने अपना सभी राहत कार्य में मदद किया है। पशुपालन विभाग का अधिकारी मौके पर आकर उन्होंने जो है तत्काल जो है पंचनामा करने की कार्रवाई संपूर्ण कर लिया है। जितने भी बकरियों के 51 बकरियाँ उसमें मृत हो गई हैं, जिनका शव अभी निकाला जा रहा है। कुछ बकरियों का शव अभी मलबे में दबा हुआ है। साथ में जो भी सड़कें थी, 2 पैदल रास्ते थे, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। सभी अधिकारीगणों को निर्देश दे दिया गया है कि जितना भी पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है तत्काल प्रभाव से बनाना शुरू करेंगे। साथ में जो वहाँ पे खेत को सुरक्षा दीवार की आवश्यकता होगी उसको भी हम बनाना शुरू करेंगे और अगले 24 घंटे के अंदर सभी को राहत राशि जो उसका अनुमान्य है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, ऐसा निर्देश मैंने वहाँ पर दे दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।